तो हाय गाइस, आपका स्वागत है और एक शानदार वीडियो में। तो आज के इस कमाल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिकेटर्स के कुछ ऐसे निकनेम्स के बारे में और उनके पीछे के सीक्रेट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट फैक्ट्स और सीक्रेट्स जानने मिलते रहेंगे। तो बने रहिए एंड तक। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर वन है हमारे चीकू भैया, यानी कि हमारे विराट कोहली। तो विराट कोहली को चीकू इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो कान थे वो नॉर्मल से थोड़े से बड़े थे, और साथ ही साथ उनके अर्ली डेज में थोड़े से चबी भी दिखते थे, इसलिए उनके दिल्ली के एक कोच ने उनको ये नाम दिया, क्योंकि वो चंपक स्टोरीज के कैरेक्टर चीकू की तरह दिखते थे, इसलिए उनका नाम तब से चीकू पड़ गया। दोस्तों, अगले हैं MS धोनी, यानी कि हमारे मही भैया। तो इनको मही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका फर्स्ट नेम का शॉर्ट फॉर्म है महेंद्र का, इसलिए उनको मही कहा जाता है। और साथ ही साथ उनको बोला जाता है थाला, क्योंकि चेन्नई की लैंग्वेज में जो थाला का मतलब होता है वो होता है बॉस या फिर हेड। तो जो चेन्नई के लोग हैं उनको CSK के बॉस मानते हैं, यानी कि कैप्टन मानते हैं, इसलिए सब उनको थाला के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे दादा, यानी कि हमारे सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को दादा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दादा का बंगाली में मतलब होता है बड़े भाई, यानी कि एल्डर ब्रदर, इसलिए उनको सारे टीममेट्स पहले रिस्पेक्ट से दादा बुलाते थे, और उसके बाद से ही दादा नाम काफ़ी फेमस हो गया उनके लिए। और दोस्तों, उनको गॉड ऑफ ऑफसाइड भी कहा जाता है क्योंकि जब भी वो बैटिंग करते थे तभी उनका जो ऑफसाइड पे प्लेइंग होता था वो काफ़ी ग्रेट खेलते थे ऑफसाइड के ऊपर, इसलिए उनको गॉड ऑफ ऑफसाइड कहा जाता है। दोस्तों, अगले हैं हमारे मिस्टर 360, यानी कि AB डिविलियर्स। तो उनको मिस्टर 360 इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्राउंड के हर जगह पर हर डायरेक्शन में शॉट खेल सकते हैं, चाहे वो स्वीप शॉट हो, स्पेशली स्विच हिट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलते हैं, और काफ़ी सारे ऊपर नीचे हर जगह पर शॉट मारते रहते हैं, इसलिए उनको मिस्टर 360 कहा जाता है। दोस्तों, अगले हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, यानी कि हमारे लिटिल मास्टर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता था क्योंकि वो भी एकदम शॉर्ट हाइट के थे और साथ ही साथ काफ़ी धुआंधार बल्लेबाज भी थे। लेकिन जब से सचिन तेंदुलकर ने अपने डेब्यू किया और साथ ही साथ काफी सारे रन्स बनाने लगे, तब से लेकर अभी तक उनका नाम शिफ्ट होकर सचिन तेंदुलकर के पास आ गया, जो कि था लिटिल मास्टर। चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वाली मजेदार वीडियो भी देख सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।